तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आज बनाया है अपने बेटे की फरमाइश पे रोटी। तो ये देखें, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से और ठीक ठाक। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आज बनाया है अपने बेटे की फरमाइश पे कहते हैं टिक्का बोटी। तो ये देखें, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है। जिसे देखनी है तो वो मेरे पिछली वीडियो पे देख लें, इसकी रेसिपी मैंने बकरीद पे दी है। साथ मैंने बनाया था रायता, और ये देखें कितना ज़बरदस्त यम्मी स्पाइसी। चलें आप लोग शुरू करें, क्योंकि रहा नहीं जा रहा है। और यहाँ पर है खीरा वगैरह, और बाकी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर बैठे हैं मेरे हस्बैंड। तो ये लोग, हाँ ये लोग गए हुए थे घूमने सुबह से। बस दुआ करें जिस काम से गए थे वो काम में कामयाबी हो जाए, उस काम में कामयाबी मिल जाए, ताकि इनकी मेहनत वसूल हो जाए। और ये देखें, ये खाना खा रहे हैं। यहाँ अनस है, अनस को बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई है। अनस अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सही है, नमक मिर्च बिल्कुल, ये मैंने घर की रेसिपी से बनाया है। और ये रेसिपी मेरे चैनल पे है मौजूद। तो अगर ये रेसिपी किसी को देखना है तो मेरे पिछले वीडियो में जाके वीडियो वॉच कर लें और फुल रेसिपी देख लीजिए। बाकी मैं यहाँ करती हूँ, मैं भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझसे भी रहा बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। आप लोग भी आ जाए, बड़े मज़े का लग रहा है। चलें व्यूअर्स, खाने के बाद खा लिया है खाना, और खाना उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि बहुत मज़े का यानी टिक्के बने थे बहुत मज़े के। मैंने घर में बनाया था घर की रेसिपी से, और लास्ट में मैंने जो है ना इसमें कोयले का दम लगाया था, और मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। और इतना माशाल्लाह उन्होंने दिल खोल के माशाल्लाह खाना खाया कि ज़्यादा ही खा लिया माशाल्लाह, उनको बहुत पसंद आया। और अनस ने तो अपने लिए रखवाए कि मम्मा सुबह भी मुझे खाने हैं। और बाकी मैं अपनी अभी चाय बना के लेकर आई हूँ, अभी वो भी आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं, और बाकी अनस गए बाहर खेलने के लिए थोड़ी सी देर, क्योंकि सुबह से आज अनस गए हुए थे अपने पापा के साथ बाहर। तो बस ये लोग लेट आए हैं, और बाकी फिर अभी मिलते हैं जी। फ्रेंड्स, तो ये देखें मेरे हस्बैंड, और ये पी रहे हैं चाय, चाय इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी आ जाए चाय पी लें, और मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैमरे में चाय, चाय दिखाती हूँ मैं आपको। ये रही चाय का कलर, नज़र नहीं आ रहा ये रहा चाय का कलर। तो चाय बहुत मज़े की बनी हुई है, आ जाए आप लोग भी चाय पिए। और जी फ्रेंड्स, तो ये हसनैन घर पे आए हुए हैं, तो मैं इन्हें लेके गई हूँ बाहर। और ये बहुत देर से बोल रहे थे कि आली बाहर चलें बाहर चलें, और माशाल्लाह बिल्कुल मेरे बेटे की तरह ही है, और मेरे पास ही ज़्यादातर रहते हैं। और यकीन करें इतना प्यार करते हैं मुझे, बस अपनी मम्मा से भी ज़्यादा मुझे चाहने लग गए हैं। तो बस इसी लिए मुझे बहुत डर लगता है कि अभी इनको पढ़ना भी है, घर भी जाना है, तो किस तरह रहेंगे मेरे बग़ैर। और अगर मैं कहीं चली भी जाती हूँ तो मुसलसल जितना भी टाइम मैं कहीं काम से जाऊँ, तो जितना भी टाइम बाहर रहूँगी उतना टाइम ये इतना रोते हैं, आंखें सुजा लेते हैं रो रो के। तो बस हसनैन के लिए भी दुआ करिएगा, ये खाना पीना नहीं खाते हैं, और जो है ना क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा जो है ना बस अमले कम खाते हैं और दूध वगैरह पीते हैं। तो बस दुआ करिएगा इसकी भी सेहत और तंदुरुस्ती हो, और खूब दिल लगा के पढ़े, और अपना नाम नाना नानी और मामू माम खाला और जो है ना अपने मम्मा पापा का नाम भी रोशन करें। तो यहाँ देखें अनस जो हसनैन जो है ना बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, और ये उम्र जो होती है ना इन्जॉय करने की होती है, इन्हें नहीं मालूम ज़िंदगी के बारे में, टेंशन के बारे में, खुशी के बारे में, गम के बारे में। बस इनको बच्चों को यही होता है कि हमें जो ना घूमना है, हमें झूले झूलने हैं, बाहर जाना है, हमें चीज़ें खानी हैं। और ये लाइफ बहुत अच्छी होती है मैं तो कहती हूँ। और जब मेरा बेटा अनस बहुत छोटे थे, तो हम भी अनस को भी इसी तरह बाहर झूले वगैरह में लेके जाते थे। जो 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 इनको शौक़ है वही शौक़ मेरे बेटे को भी था। अब तो माशाल्लाह अनस बड़े हो गए हैं, आप लोगों ने देखा, और मुझे एक कमेंट आया था कि माशाल्लाह माशाल्लाह जो ना आपके बेटे मुझे बहुत मासूम लगते हैं। उनके चैनल का नाम है मेरे ख्याल से डेली कुकिंग। तो जी वाकई में मेरा बेटा बहुत मासूम है, ना ही ज़्यादा तंग करते हैं, ना ही ज़्यादा कोई फरमाइश करते हैं, और जो बोलते हैं माशाल्लाह उनके पापा वो फ़ौरन से पूरा करते हैं। आप लोग अनस के लिए भी दुआ करें कि सेहत तंदुरुस्ती हो। और आ जाए, चाय बहुत मज़े की बनी है, क्योंकि मैं जो है ना शाम से अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी, और मैंने चाय बिल्कुल भी नहीं पी, और बाकी अपना काम कर रही थी। जल्दी से काम फिनिश किया आज, मैं गए हुआ बाकी था जो काम, हाँ बाकी ये गए हुए थे काम से। और बाकी इन मेरे हस्बैंड के लिए भी दुआ करें कि बस हमारे घर में एक बीमार हुआ है ना, तो सभी हम गिनती के तीन है, और तीनों ही बीमार हो गए,
अनस ठीक हुए थे, मुझे बुखार हुआ, मैं ठीक हुई तो मेरे हस्बैंड का नंबर आ गया। अब इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, हो रही है खांसी और बुखार, तो ठीक है अल्लाह का शुक्र है, बुखार एक ही दिन हुआ इन्हें, लेकिन सर में दर्द और खांसी। तो बाकी आप लोग बहुत सारी दुआएं करें मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज भी ये बहुत मेन काम के लिए गए थे, तो आप लोग दुआ करें अल्लाह पाक उस काम में इनको कामयाबी मिले, और मैं भी दुआ कर रही हूँ, और बाकी मेरी जो भाई की फैमिली है आप लोग भी दुआ करें जल्दी जल्दी, तो मैं आप लोगों को भी फिर अच्छी अच्छी सी न्यूज़ सुनाऊँगी। और बाकी बस हम लोग चाय इंजॉय करते हैं, फिर मिलते चाय के बाद। जी वीवर, तो मैंने चाय वगैरह पी ली है, बाकी मुझे आप लोगों से इतना कहना था कि जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे 2K करवाए, उस 2K होने में मेरे थोड़े से कुछ ही बाकी हैं, तो जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर पूरे हों, और फिर मैं जल्दी से उसकी भी जो है ना सेलिब्रेट करूँगी, और फिर केक भी काटेंगे इंशाल्लाह, और अपनी बाइटी फैमिली से भी शेयर करूँगी। तो बाकी फिर वीवर्स मैं यहाँ लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, दुआएँ देते रहें, दुआएँ लेते रहें, और मेरी वीडियो को शेयर करें, और अपनी फैमिली मेम्बर में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे जो ये परिंदे हैं ना ये मुझे बोलने नहीं देंगे, जितनी तेज़ मैं बोल रही ना मुझसे तेज़ मेरे परिंदे बोल रहे हैं माशाल्लाह। तो चले वीवर, यहाँ लेती हूँ इजाज़त, ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।